पहाड़ों में ना सब कुछ अलग ही होता है, जैसे बारिश की बूंदें गिनना। और आपको एहसास होता है जब इतनी खूबसूरत नज़ारे आप रास्ते पे देखते हैं। दिस इज निर्माण और ये है ब्यूटीफुल मनाली। जब हम बारालाचा से वापस आ रहे हैं, कई घंटे में कैसे मौसम चेंज हो गया है, कभी धूप कभी छाँव और अभी हल्की बारिश होने लगा। मनाली के मेन रोड छोड़ के ये बाईपास रोड से हम जाते हैं। शायद आपको दूर से जुगनी वाटरफॉल दिखेगा। इस ओर आने का दो कारण थे, एक तो मनाली के मेन रोड्स इस समय बहुत जैम होते हैं और दूसरा कारण मनाली के अंदर का रॉ ब्यूटी देखना था। यह बहुत खूबसूरती है। सिसु से मनाली हम एक घंटे में पहुंच गए, लेकिन मॉल रोड पे फिर से एक घंटा जाम में फंस गए। क्या करें, पहले बारिश हो रही है अब जाम। अभी हम डिनर करते हैं टोटल वेज मील। होटल अच्छा मिल गया, हमारा एक्सपेक्टेशन के बाहर। हमने तो पहले बुकिंग नहीं की, थैंक्स टू आवर ड्राइवर सुरेश ब्रो। हमें उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा होगा, क्योंकि सुबह हम हिडिंबा देवी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अभी हम हिडिंबा देवी मंदिर के नजदीक है, जिसे स्थानीय रूप से घंगरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मनाली के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो आध्यात्मिक कारण और अपने स्थापत्य आपिल दोनों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये एक प्राचीन गुफा मंदिर है, जो भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित भीम की पत्नी हिडिंबा देवी को समर्पित है। ये मंदिर लकड़ी से बना है और इसमें बहुत सुंदर नक्काशी है। हिडिंबा मंदिर में प्रवेश के समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। इस अनोखे आकर्षण को देखने में 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। यहाँ के वातावरण काफी अच्छा है। जंगल और विशाल पेड़ों के बीच बसे हुए इस मंदिर के पास आकर आप शांति महसूस कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। यह जगह मनाली पर्यटन का हृदय और आत्मा है। न केवल मंदिर बल्कि आसपास के क्षेत्र भी बहुत शांत और शांति है। पूजा के लिए बढ़िया जगह और तस्वीर खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मनाली जाते समय इस स्थान को प्राथमिकता देना चाहिए। So we are going to at Jogini waterfall. This is the way you can see. शायद आप देख सकते हो,
जुगनी वाटरफॉल्स जाने का रास्ता बहुत खूबसूरत है। रास्ते के दाएं ओर काफ़ी सेब का पेड़ है और नीचे बहती पानी की धारा जो झरना से आती है। झरने तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किमी की ट्रेक करनी होगी। वास्तव में 2 अलग अलग रास्ता है। एक तो ऐसी जगह की ओर जाता है जहां आप झरनों में डुबकी लगा सकते हैं। दूसरा एक व्यू पॉइंट है, ये ब्यास नदी की एक सहायक नदी द्वारा निर्मित होता है। इस झरने का धारा फिर कुल्लू में ब्यास नदी से मिल जाता है। यहाँ कुछ दुकानें भी हैं जहाँ आपको पानी, मैगी और स्नैक्स मिल सकता है। यहाँ कोई एंट्री फी नहीं है। ये मनमोहक झरना एक रोमांटिक डेस्टिनेशन है। मानसून के बाद झरनों का प्रवाह तेज होता है। झरनों का नज़ारा और आसपास की प्रकृति असाधारण रूप से खूबसूरत है। पानी लगभग हमेशा ठंड रहता है। चट्टानों पर चढ़कर झरनों तक पहुंचना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। आप बहुत सारे देवदार की पेड़ भी देख सकते हैं। अभी मैं दाहिने के रास्ते पर जा रहा हूँ। इस ओर झरनों के नज़ारे और भी अच्छा है। कल तो यहाँ पर काफ़ी बारिश हुआ है, इसीलिए रास्ता गीला है। थोड़ा सावधानी से जाना होगा। इस झरने से एक पौराणिक कहानी भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि जोगिनी झरना वो स्थान है जहां इंद्र की बेटियां जोगिनी स्नान करती थी। झरने और जंगलों की आसपास का क्षेत्र स्त्री ऊर्जा से भरपूर पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां शक्तिपीठों में से एक गिरी थी। झरने की तल पर जोगिनी माता की एक मंदिर भी स्थित है और इसीलिए ये नाम दिया गया है। Panjabi Dhaba, and we are taking our lunch here. Here is the menu. You can do lunch here. हम लोगों को तो खाना अच्छा लगा, and reasonable prices too. अभी हम सेतन वैली जा रहे हैं। शायद आपने नहीं सुना होगा ये जगह कहाँ है। वैसे तो जनरली लोग यहाँ नहीं जाते हैं, बल्कि जो लोग ट्रैकिंग करते हैं ना हम टपास, वे इस जगह अच्छे तरह जानते हैं। यहाँ से आगे के लिए लगता परमिट। अच्छा अच्छा, ऑनलाइन है वो, आप बनाएंगे और हमें चेक कराएंगे, फिर आप जा सकते हैं। अच्छा। स्कैनर लगाए, इसको स्कैन करेंगे, एक फॉर्म खुलेगा, वो फिलअप करना है। ऑनलाइन 200 कैश, 200 पेमेंट करना है, परमिट जनरेट होगा, वो हमें चेक कराना है। सर हम सेतन फेरी जाना है। आप जा सकते हैं। अच्छा, वो बात आपकी इच्छा है। हेलो बेबी, व्हाट इज योर नेम? मनाली से सेतन वैली का दूरी लगभग 15 किलोमीटर का है। हम लोग यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट का चेक पोस्ट में ₹200 दे के ऑनलाइन परमिट किया। पहले तो आपको मनाली से पिरिनी आना होगा, वहाँ से दाहिने ओर 12 किमी आफिल जाना होगा। टोटल 35 हेयरपिन बेंड्स मिलेगा आपको सेतन पहुँचने के लिए। हम लोग सेतन वैली से आगे भी जा सकते हैं क्योंकि हमने हमटा पास का परमिट किया ना। सेतन विलेज एक अनस्पॉइल्ड हेवन है और सेरेनिटी सेल्फ डिस्कवरी की तलाश करने वाली जागरूक ट्रेवलर्स के लिए है। हिमालय में बसे ये आधुनिक जीवन की अराजकता से एक शांत मुक्ति प्रदान कराता है।
पहाड़ों में ना मौसम हमेशा बदलते हैं। अभी तो हल्की बारिश हो रहा है, कुछ देर पहले यहाँ काफ़ी बारिश हो चुका है, शायद आप देख पाते हो। सो दिस इज सेकंड वैली एंड वी आर वॉकिंग इन दिस वैली। देयर इज अ मिनी मार्केट एज यू सी एंड द एग्जैक्ट पॉइंट फॉर द सेकंड वैली इज राइट अहेड टू अस एंड यू नो दैट फ्रॉम हियर हम टापा स्ट्रेट इज स्टार्टेड। आप देख सकते हो फिर से बारिश आ गई और हमको छतरी के नीचे यहाँ से जाना होगा करीब 500 मीटर आगे सेतन वैली पहुँचने के लिए। अगर बारिश ना होते तो और भी अच्छा लगता था, लेकिन पहाड़ों में ना बारिश का भी एक अलग सा महसूस होता है और इसके साथ ठंड हवा मिला के एक थ्रिल पैदा करती है। सो दिस इज सेतन वैली द ब्यूटीफुल वैली। यू कैन सी लॉन्ग लॉन्ग ओल्ड ट्रीज दे आर प्रिवेलिंग ऑल ओवर and here the Humtapa trek starts. As you know, it's a easy moderate trek, anybody can do very easily, and also in winter season you can have enchanting experience for this trek. Agar aap Humtapa trek karenge aapko to yahan zarur aana hoga na. You can see this beauty. Abhi bhi barish ho rahi hai और आप शायद देख सकते हो कितनी विशाल विशाल पेड़ यहाँ पर है। इस जगह की नज़ारे कुछ अलग सा है। We are at Sethan Valley and she is shivering in cold. As you see, this beautiful place we are here. She is having no trekking experience, so I just say to her, please walk with me. You will at least have a minimum trekking experience. This is the beautiful place. If the weather is not adverse, then it will be very much interesting for us to walk as well. I love you, Sethan. मनाली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित एक छुपा हुआ सर्ग सेथन 2700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से आप आसानी से लुभावनी देखने लायक नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, जिनमें धौलाधर रेंज के साथ साथ वैली से होकर बहने वाली ब्यास नदी भी शामिल है, जो खूबसूरती से धौलाधर और पीरपंजल रेंज को विभाजित करती है। अच्छी बात यह है कि ये भीड़भाड़ वाली गलियों से दूर है, इस प्रकार ये आपको समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देने वाली अनुभव के साथ साथ शांति का सही मिश्रण भी प्रदान करता है। मनाली में घूमने लायक जगहों में सेथन को हमटा वैली में स्थित एक अनोखा गांव माना जाता है। इस वैली से सिर्फ 450 मीटर की दूरी पर आपको हिमालयन इग्लू विलेज मिलेगा। सेथन वैली को भारत के इग्लू गांव के रूप में भी जाना जाता है और विंटर सीजन में यहां कुछ फन एक्टिविटीज आप कर सकते हो, साथ ही इग्लू में रहने का यूनिक एक्सपीरियंस। Our car now it's stopped raining. You can see sun is coming out of the cloud and it's very picturesque scenery is here, and it's nice to walking also as we are getting cold due to raining. Now it's very comfort and easy to walk. शायद आप देख सके कि बारिश रुकने के बाद सेथन कैसा दिखता है, वो अब कितना चमकदार है। हमें भी इन दोनों रूपों को देखने का मौका मिला। अच्छा होता अगर हम यहाँ बर्फ भी देख पाते। नेक्स्ट टाइम जरूर कोशिश करेंगे, आप भी जरूर आना इधर। मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है, क्या करूँ, वापस मनाली जाना है। हमारा जर्नी लगभग खत्म हो चुके हैं,
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल कॉज इट्स फ्री, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। अगर हमारा पूरा हिमाचल सीरीज देखना है, प्लीज क्लिक आई बटन अबव। लुक एट हियर, अब तो चाय हो रही है। Now after having a small trek at Satan Valley, we are at drinking tea. It's very good. आप शायद देख सकते हैं कि सूरज फिर से निकलने के बाद सेतन का चेहरा कैसा दिखता है। What a view यार। बाय सेतन, फिर से आऊंगा इधर। क्या कहूँ, मेरा मन तो खराब हो गया है। इतनी सुंदर प्रकृति को छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं है। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहां बार बार आने से भी मन को पूरी तरह सुकून नहीं मिलता है। ये सेवन हिल रिजॉर्ट है जो मनाली की नगर साइड में सबसे गर्जस रिजॉर्ट्स में से एक है। आखिरी बार मनाली को अलविदा कहने के लिए आज रात यहाँ रुकेंगे। और आप बाहर की नज़ारे तो देखिए जरा, दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ और नीचे खूबसूरत सेब के बगीचा दिखते हैं। They also may arrange bonfire without well decorated, feeling wild environment. अब देख सकते हो, ये है हमारा डिनर, पूरी तरह वेज है। It's looking good. Good morning. आइए मैं आपको यहाँ सेब के बगीचा दिखाता हूँ। ये अभी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ आम सेब के साथ साथ हरे सेब भी है। और ये है सुबह होटल की बाहर का नजारा। ये एक खूबसूरत जगह पर स्थित है और यहाँ भीड़भाड़ कम है। अगर आपको सुकून चाहिए तो आप यहां आ सकते हैं। हेयर इज आवर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। इनमें है सैंडविच, आलू पराठे, दही और पोहा। और यहां मसाला चाय भी मिलती है, लेकिन हमने बिना चीनी वाली ब्लैक कॉफी मांगी थी। Would you like to say something about this resort? Food is here, pure vegetarian food we provide here for all the guests. And prices are as per as good. Deluxe is available at 4500 and super deluxe are available at 5500 with breakfast and dinner included. Thank you. Thanks, sir.